सर एक बात बताइए, आपके पास लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है सर। चलाने का गाड़ी लाइसेंस है या तैराने का? चलाने का। तैराने का कैसे रहे, डर नहीं लगता पटना पुलिस से? ऑफिसर्स कॉलोनी है और सारे लोग हैं, लेकिन किसी को ये नहीं वो है चिंता कि कंप्लेन करें। चलाने का है या तैराने का? तैराने के लिए ज्यादा बेहतर है। सरकार में इतने लिप्त हैं ये लोग, न नगर निगम काम करवाती है और न सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है, तो जनता कहाँ जाए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के और पटना के हर एक चौक चौराहे पर खड़े बिहार पुलिस के जो जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के, आज मालामाल हो सकते हैं। उनके पास एक बड़ा ऑफर है। आपको बता दें कि वे ट्रैफिक पुलिस जो हर एक बात पर नियम की दुहाई दे करके आपके जेब पर कैंची चला देते हैं, वे सभी पुलिस वालों के पास आज एक बड़ा मौका है। दरअसल ये भी मौका भी जो है कानूनन ही मिल रहा है उनको। जो भी हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं और जो भी जनता गाड़ी चलाती है, वे उनके पास जो लाइसेंस होता है गाड़ी चलाने के लिए होता है, ना कि बिहार की सड़कों पर गाड़ी तैराने के लिए। तो ऐसे में हम सीधे तौर पर देखें तो एक बड़ी बात है कि पटना के जो जनता है, पटना की जो जनता है, बिहार की जनता है, आज पटना की सड़कों पर गाड़ी को तैरा रहे हैं। तो ऐसे में उसे ये कानून का उल्लंघन मान करके चालान काट सकते हैं। आपको बता दें कि पटना की आज क्या स्थिति है, ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। लगभग एक दिन की बारिश और महज एक दिन की बारिश में पटना का इस प्रकार का ये हाल हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो आम हो गई है। पटना में ये बात हर दिन आए दिन आप देख सकते हैं, जब थोड़ी सी बारिश हो, बूंदा बूंदी भी हो, तो पटना का इलाका, सारा इलाका, पूरा पटना जो है जलमग्न हो जाता है। जलमग्न तो सब कुछ रहता है, धरती, आकाश, सब जलमग्न होता है, लेकिन आँखों में पानी नहीं होता है। तो यहाँ की व्यवस्था को आपको बता दें कि बिहार की सरकार सोई रहती है, और जिस प्रकार से देखिए यहाँ इस पूरे पानी में तैर करके लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर पटना पुलिस की गाड़ी हो या जनता हो, इन तमाम लोगों के पास एक बड़ी बात है कि यहाँ के जनता भी हैं, वे सभी को तैर करके एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। चलिए हम सीधे तौर पर बात करते हैं, यहाँ जनता मौजूद है। क्या चाचा, कैसे लग रहा है यहाँ? बहुत खराब लग रहा है। तो खराब लग रहा है? हाँ, तो यहाँ मतलब पटना पुलिस को तो अथी दे देना चाहिए। पटना, हाँ देखिए पटना पुलिस के जवान मैं यहाँ मौजूद है। क्या सर, तैरने का भी तो लाइसेंस दे देना चाहिए लोगों को? क्या कीजिएगा, पानी का नुकसान कहीं नहीं है ना, तो चलिए जाम लग रहा है सर, आगे बढ़ा लीजिए सीधे तौर पे देखिए। अच्छा ये बात बताइए चाचा, यहाँ तो अभी तक लोगों को गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिल रहा था, अब तो गाड़ी तैराने के लिए भी लाइसेंस मिल जाना चाहिए? नाव दे देना चाहिए। नाव दे देना चाहिए? हाँ हाँ, मतलब जो लाइसेंस मिलता है उसके साथ अब नाव का भी लाइसेंस? नाव का भी? हाँ, आप देख नहीं रहे कितना पानी जो है ना भर गया है नाव का लाइसेंस। और नीतीश कुमार जी का लगता है दूरदृष्टि का इलाज करवाने के लिए दिल्ली भाग गए हैं। जी जी, समझे ना, दूरदृष्टि उनका खराब हो गया है जी। तो वही अब गए हैं दिल्ली जी। और देखिए ना, आपके सामने फोन लगाते हैं, देखिए यहाँ का जो एमपी है ना, देखिए नंबर है उनका, लगाइए लगाइए। हाँ देखिए, यहाँ के एमपी कौन है? रविशंकर जी। अच्छा लगाइए, देखिए लगा रहे हैं ना, फोन ही नहीं लगता है उनका। नगर विकास मंत्री को लगा रहे हैं फोन, फोन लगता ही नहीं है। और सारा इंजीनियर और कमिश्नर तो सब चोर है, कमिश्नर वगैरह सब मोबाइल सब ऑफ करके रखते हैं, देखता है ना। अभी आप उनको नंबर लगा रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी को, नंबर नहीं लग रहा? ना नहीं लग रहा, स्विच ऑफ बता रहे हैं। वोट दिए थे? हाँ वोट तो देवो किए थे भाई, क्या बताएं हम। इसके बाद जब जनता दिक्कत में है तो मोबाइल ही स्विच ऑफ है। विधायक हो सकता है पानी में डूब गया होगा मोबाइल, वो कलकत्ता में कौन चीज पानी में डूबेगा, दिल्ली में घूम रहे हैं। अच्छा। अभी तारकेश्वर जी को लगा रहे हैं तो उनको भी नहीं लग रहा है, कमिश्नर को लगा रहे हैं। किनको आप लगाए हैं चाचा? हम कमिश्नर को भी लगाए हैं, हिमांशु शर्मा नहीं लगा, मेयर को लगाए हैं, डिप्टी मेयर को लगाए हैं, विधायक को लगाए हैं, यहाँ के रविशंकर जी एमपी हैं उनको लगाए हैं, सबको लगा के देखे हैं, लग ही नहीं रहा है। मतलब फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है किसी का? ना किसी का लग ही नहीं रहा है। अच्छा, समस्या किसको सुनाइएगा फिर? अरे सब तो अंधरा ही है, तो समस्या किसको दिखाएं? भागी हमने सबका फूटल थे कि यहाँ फिर से ये सरकार आ गई, तो किसको सुनाएंगे? भाग फूटा हुआ था जो सरकार। हाँ था। अच्छा चाचा ये बात बताइए, क्या लगता है आपको, आप भी ट्राई किए हैं क्या? बोलिए। लगाए हैं किसी को कॉल? क्या सर, कॉल लगाए हैं किसी को? हाँ कॉल कॉल किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिलता है? तो मतलब क्या लगता है, वोट दिए थे तब उसके बाद? हाँ, तो यहाँ का जो वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य है उनसे कोशिश है कि पानी निकल जाए।
अच्छा सीधे तौर पे आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, बाइक तैरा के जा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है? बाइक तैराने का लाइसेंस है? चलाने का है कि तैराने का? तैराने का नहीं, बंद हो गया, गाड़िया बंद हो जा रहा है, अब क्या करे? नहीं तो बाइक तैराने का आपको लाइसेंस लेके चलना चाहिए ना इस पानी में, चलिए क्या करे? सीधे तौर पे एक बात बताइए, बाइक चलाने का लाइसेंस है या तैराने का है? चलाने का है। तैरा कह रहे हैं भाई? पानी है तो क्या करेंगे? अच्छा आपके पास लाइसेंस है? हाँ भाई बिल्कुल है। चलाने का है या तैराने का? तैराने के लिए ज्यादा बेहतर है। तो मतलब अब क्या मांग क्या है? स्मार्ट हो गया है। अच्छा स्मार्ट सिटी का ये है। अच्छा हमको सीधे तौर पे क्या मांग है? अब हो जाना चाहिए बाइक लाइसेंस के साथ न चलाने का भी लाइसेंस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह का माहौल हर साल बनता है, हर साल बनता है, जरूरी है, हो जाना जरूरी है। अरे चलिए चलिए और चलता है। भैया बाइक चलाने का लाइसेंस है कि तैराने का? अरे दोनों चीज का, कोई बात नहीं, दोनों चीज का है। चलिए ई रिक्शा का भी लाइसेंस हम पूछ लेते हैं। क्या चाचा शीशा नहीं है, पूरा क्लियर है एकदम ना, दिख रहा है सब कुछ क्लियर? हाँ देख रहे। अच्छा ये बात बताइए हमको, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है कि तैराने का? चलाने के रहता है सर। चलाने का रहता है तो तैरा कैसे रहे हैं? डर नहीं लगता है? पटना पुलिस फाइन काट देगा, तैरा रहे हैं गाड़ी ना? पेशेंट था सर तो लिया है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं लाते। हाँ देखिए कह रहे पेशेंट है इसलिए लेकर के आ गए हैं, लेकिन बाइक तैराने की, गाड़ी तैराने की किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही है इस पानी में। सीधे तौर पे देख सकते हैं आप, ये राजवंशी नगर का इलाका है और ऐसे में यहाँ देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वे यहाँ से जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनसे सीधे तौर पे बातचीत हो रही है और सबसे यही सवाल है कि उनके पास कौन सा लाइसेंस है। सीधे तौर पर पटना के लोगों की एक मांग हो रही है कि अब जो है बाइक चलाने के साथ साथ उसमें संलग्न कर दिया जाए, इसमें एक स्पेशल परमिशन दिया जाए कि वे बाइक जो है अपनी गाड़ी को जो है तैरा भी सकते हैं, उसके लिए उनको है चालान देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ एक सर जा रहे हैं, कार लेकर के जा रहे हैं। सर सर आइए सर, बात करना है। एक एक बात बताइए सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार मस्टर हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए, आपके पास लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है सर। चलाने का गाड़ी लाइसेंस है या तैराने का? चलाने का। तैराने तो तैरा कैसे रहे, डर नहीं लगता पटना पुलिस से? क्या करें, पानी कम था निकल गया, हम समझे पागे तो कम पानी होगा। डर नहीं लगता कि पटना पुलिस फाइन कर देगी? ये पानी में क्या पुलिस फाइन करेगी, उसको तो पानी उसको हटाना काम ना है। आप तैरा रहे हैं गाड़ी को? तैराने नहीं, हम गाड़ी चला रहे हैं। चला रहे हैं लेकिन गाड़ी तो तैरता हुआ दिख रहा है। तैरता हुआ देख रहा है अपना। आप देखिए चाचा है सीधे तौर पे, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। गाड़ी चलाने का लाइसेंस है कि तैराने का? गाड़ी का लाइसेंस है। क्या चीज का, चलाने का कि तैराने का? चलाने का। चलाने का, तैरा कह रहे हैं, डर नहीं लगता है? अब क्या करें, यहाँ सरकार देख ही नहीं रहा। तो अच्छा एक मांग तो हो सकती है ना? मांग है कि हाँ देखिए रोड की जो स्थिति है नाला के, हाँ वो बहुत खराब है जी। लगता है कि मतलब अब गाड़ी चलाने के लाइसेंस के साथ साथ तैराने का भी दे देना चाहिए ना? हाँ दे देना, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, लोग जो है किस प्रकार से गुजर रहे हैं, सभी जदयू के यहाँ देखिए विधायक जी की भी गाड़ी गुजर रही है, जदयू के नेता हैं कोई उनकी भी गाड़ी गुजर रही है, उनसे ही सवाल करते हैं। अब मैम सीधे तौर पे एक बात बताइए हमें, हम मैम से बात करते हैं। मैम आप जदयू से हैं? नहीं मैं जदयू से नहीं है जी, मैं मेरा NGO है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। अच्छा मैम एक बात बताइए, ये गाड़ी आप लोग लेके चल रहे हैं, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है या तैराने का? लाइसेंस क्या मतलब? लाइसेंस जो है गाड़ी चलाने के लिए सड़क पे है या फिर गाड़ी तैराने के लिए? चलाने के लिए गाड़ी है, लेकिन गाड़ी तो तैर रही है ना? लेकिन गाड़ी तैर रही है, इंसान तैर रहा है, यहाँ लैट्रिन से लेकर सारा आंगनों में पानी है, इतने ऑफिसर्स कॉलोनी है और सारे लोग हैं, लेकिन किसी को ये नहीं वो है चिंता कि कंप्लेन करे या सरकार नगर निगम। नहीं मैम यहाँ से सीधे कॉल कर रहे थे अपने अपने मंत्री को, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता कॉल कर रही है, सबका फोन स्विच ऑफ है। मैम वो जान के स्विच ऑफ करना ही नहीं चाहते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं ये लोग, न नगर निगम काम करवाती है और न सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है, तो जनता कहाँ जाए? एक कोरोना का समय है आप बताइए, हैं तो लोग कहते हैं यहाँ पेपर में केवल लिख के दे दिया जाता है कि ये काम सरकार करवा रही है, नगर निगम ये काम करवा रही है, लेकिन ये कागज पर काम होता है, यथार्थ में कोई काम नहीं होता। अच्छा मैम सीधे तौर पर एक मांग तो हो सकती है ना कि गाड़ी चलाने के साथ साथ उसी में अब तैराने का भी लाइसेंस दे दे? एकदम लाइसेंस दे दे, तैरने का, उसी में रहने के लिए भी गाड़ी बनवा दे सरकार तो ज्यादा अच्छा है, चूल्हा बनवा दे, खाने का इंतजाम, लैट्रिन बाथरूम का इंतजाम करवा,
परवाह, जनता किस तरीके से मर रही है, जो लोग बुजुर्ग है, जो इंसान बीमार है, वो इंसान कैसे जी रहा है, आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम थी अभी हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है। जी मेरा नाम नीलमा सिन्हा है, मैं क्रिएशन संस्थान। चलिए मैम है नीलमा सिन्हा जी, मैम है पटना की, मैम है। सीधे तौर पर देखिए इनका गाड़ी भी जो है बारिश में तैर रहा है, और इनकी भी एक ही मांग है। चाचा एक सर एक सवाल है सीधे आपसे भी, गाड़ी चलाने का लाइसेंस लिए हैं या फिर तैराने का? चलाने का लाइसेंस मिला कि तैराने का मिलता है क्या गाड़ी का? नहीं तो मतलब फिर भी आप तैरा रहे हैं, गाड़ी को डर नहीं लगता है? ट्रैफिक पुलिस चलान काट देगी। तैराने रहे, चला रहे हैं, तैर रहे हैं, गाड़ी दिख रहा है तैरते हुए? आपको दिख रहा है ना, गाड़ी रोड पर चल रही है। रोड पर चल रही है? अच्छा रोड दिख रहा है सर? जी रोड दिख रहा है। हाँ बढ़िया है। देखिए जनता मांग कर रही है, सीधे तौर पे सरकार से एक अपील है कि अब जो है मिल जाना चाहिए इसी में, यानी कि जो लाइसेंस मिलता है इसमें भी नौ चलाने का भी लाइसेंस इसी में संलग्न होना चाहिए। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।